बॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो हमेशा ही ट्रेडिशनल लुक में नजर आती हैं और उन्हीं में से एक हैं विद्या बालन। जी हाँ, रेखा के बाद विद्या बालन ही एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हमेशा साड़ी पहने नजर आती हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर विद्या को साड़ियाँ हैं ही इतनी पसंद। तभी तो अभी हाल ही में विद्या नजर आई गौरंग एंड मीरा के नए साड़ी कलेक्शन लॉन्च पर, जहां विद्या ने मीडिया से बात करते वक्त बताया कि उन्हें हर तरह और हर जगह की साड़ियां पसंद है। साथ ही विद्या ने गौरंग के कलेक्शन की भी खूब तारीफ की। वो कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी वैरायटी है हमारे देश में। मैं ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हूँ, पर फैब्रिक्स में फ़र्क है, काम में फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से मैं हर जगह की साड़ी पसंद करती हूँ। और जब से मैं गौरांग और मीरा जी और बापादित्य के से मिली, उन सभी की साड़ियाँ मैं बहुत पहनती हूँ क्योंकि वो हैंड वोवन हैं। जिसमें हाथ का काम हो वो ज़्यादा मुझे पसंद है, हैंडलूम जिसे कहते हैं। तो हर जगह की साड़ी अच्छी लगती है। इस मौके पर विद्या बालन ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स 3 और कहानी 2 के बारे में भी बात की। आई एम वेरी एक्साइटेड टू से द लीस्ट। वी स्टार्ट शूटिंग नेक्स्ट मंथ एंड दैट्स ऑल आई एम अलाउड टू से बिकॉज शुजॉय घोष विल स्लिट माय थ्रोट अदरवाइज। बट यस, इट्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शूटिंग अगेन फॉर कहानी विद शुजॉय। या वी शॉट फॉर 3, बट इन 3 आई हैव अ स्पेशल अपीयरेंस। But it was still fun, because Shujaat produced the film. I went back to Kolkata for the shoot, and the team was more or less the same. Ribhu is a very interesting director, and of course, Mr. Bachchan and Nawaz. So it was a good team, and now I think that was some sort of a preparation for me to get back into Kahani. Well,